साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं अमित भाई के पास में, गांव कुसावली में, और भैया जी ने गन्ने की अपने नए दिमाग से आविष्कार करा था, एक बुआई की वीडियो बनाई। आज पिछले साल वीडियो बनाई थी इनकी, चकोर पिट, रिंग पिट की जगह चकोर पिट कर दिया था इन्होंने, और उसमें जो है किसान की जो है काम बहुत कम हो गया, गड्ढे जोड़ने की टेंशन नहीं, पानी बहुत अच्छी तरीके से चल जा, और प्रबंधन में सारी आसानी है, बिल्कुल कोई मतलब बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी पिछले साल की जो गन्ना पौधा मैंने बनाया था, एक धोर से बलकटी से काटा, ना तो किसी की RMD की जरूरत है इसमें, और एक धोर से गन्ने देखो भाइयों कितना अच्छा तो फुटा हुआ रहा। बाकी इस पेटी प्रबंधन के बारे में आज अमित भाई से पूरी चर्चा करेंगे। ये देखो, ये अमित भाई जो काले काले ठूट आ रहे, ये अभी सब में लिखेंगे, इन्हें कटिंग करनी पड़ेगी ना? न, न, नहीं न, ना करो। हाँ जलिंडा इतना दबरा, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसे में निकला हुआ देखो। हाँ ये तुम्हें काले लग रहे थे, ये देखो, ये लिखड़ का आ गया, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, जैसे आपने गन्ना पौधा ही डाला जी, क्या इसका एवरेज आपका आया? देखो जी, एवरेज ये 4 बीघे खेत है जी जी, हमें तुम्हें उसमें बता था। हाँ जी, 463 क्विंटल गांडे इसमें लिख रहे, 463। हाँ, अब पूरे चक का एवरेज मान लो, ये पूरा रिंग पिट का चक है। हाँ जी जी, 12 बीघे है, 1 बीघे रास्ता 12 खाल छुटा हुआ है, सब हमारे अंदर ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी जी जी। 1140-45 क्विंटल के आसपास इसका पूरे चक्का एवरेज आया। अच्छा अच्छा, कुल मिला के एक बढ़िया एवरेज है, बिल्कुल बेहतरीन एवरेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 2 बीघे डबल लाइन ट्रेंच था और 10 बीघे पूरा रिंग पिट था, चकोर पिट। तो विधि कौन सी सबसे अच्छी लग रही? देखो जी, आनंद जो चाहो तब को घूमने का है। हाँ जी, रिंग पिट भी ना, तो देखो रिंग पिट कह रहे। हाँ जी, लेकिन मेरे लिए तो कोई यानी खेल है, आसान है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, 5-4 बीघे खेत। हाँ जी, पहले दिन खूड़ काट दूंगा, शाम को उनके नाके उके मिला के। हाँ, अगले दिन पूरे को बो दूंगा। तो इसमें तो पेटी बहुत सुंदर लग रही, देखे भाइयों इसमें गन्ने देखो कितने जबरदस्त है, ये देखो, और फुटाओ हो गए। तो भैया जी, जैसा आपने खेत, मेरी बात सुन। हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अभी लिख रही। हाँ 19 लिख रही, ठीक है जी। हाँ, और ये 30-35-40 लोग आएंगे, इससे कम इसका एवरेज नहीं आने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक गड्ढे में। हाँ, हम मट्टी चढ़ने की बात सुन लो। हाँ जी, अगर मैं इस पे मट्टी जल्दी ना चढ़ाऊँ, 30-35 गन्ने होते मैं तुरंत दबूंगा इसे। अच्छा, इतनी गिनकी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा, देखो अभी इसमें कुछ तो नहीं हुआ। हाँ, अभी जो है आपने जैसे गन्ना इसमें काटा, बलकटी से गन्ना काट के फिर इसमें कुछ कार्रवाई करी अभी नहीं? बात ऐसी, बलकटी से पौधा छोड़ने से पहले हमने इसमें खरपतवार की स्प्रे कर दी। ठीक है, हर्बिसाइड स्प्रे हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद ना इसमें पत्ती सकेर के बाद कल्टीवेटर की जुताई करी, उसके अच्छा बाद हाँ। ये जो बीच बीच में कल्टीवेटर, हाँ, इस बेड पर कुछ नहीं करा? इस पर कुछ नहीं करा अभी। अच्छा अच्छा, इस पर तो केवल हम अब इसमें एक महीने NPK की स्प्रे दे दी हल्की। अच्छा, NPK की 1.5 किलो, कोई कीटनाशक वगैरह या फुटाव की कोई दवाई? अभी कोई ना फुटाव की दवा ना कुछ, केवल NPK की दिया था। अच्छा, शुरू में क्योंकि यहाँ रेत की जमीन है, ज्यादा पीलापन आ जा। हाँ, इतना पीलापन नहीं दिखा रही होगी तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ज्यादा पीलापन आ जा। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे इसमें क्या होगा जी, फेरस और मैग्नीशियम। अच्छा अच्छा, एक कट्टा DAP, ठीक है, ठीक है जी, 5 धड़ी यूरिया जी, गिर के। हाँ जी, और नलाई होके एक ही दिन में। हाँ जी, क्यों अब इसमें पानी आवेगा सूखा। हाँ बिल्कुल, और गिर के इसके उस पर खुरपे से नलाई होके। हाँ जी, जब दूसरा पानी कह लिया होगा, अरे चढ़ी चली आओगे बस एकदम से, फिर इसे हवाई जहाज बना देगी। हाँ बिल्कुल, कीटनाशक में क्या दोगे? कीटनाशक में समय लगा तो स्प्रे। अच्छा जी, प्रोफेक्स की। हाँ जी, और कार्टअप की स्प्रे कर देंगे क्योंकि टॉप बॉलर की तितली आल लगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी जी, जो फिलहाल हम अभी कुछ नहीं दे रहे इसे। हाँ जी, अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे स्प्रे देंगे। अच्छा, कार्टअप प्रोफेक्स की। ठीक ठीक, या फिर मार्च के लास्ट हफ्ते में फटेरा घेर के छोड़ देंगे जी, अभी फिर स्प्रे नहीं देने, फिर स्प्रे देने, फिर स्प्रे देने जी, क्योंकि 15 अप्रैल को। हाँ जी, तो यो जो इसमें टॉप बॉलर की तितली घूम रही है उनका असर आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने तो पहली स्टेज है टॉप बॉलर। हाँ जी, ये तो आपने बता दिया, अगर फटेरा डाल दिया तो उसका तो लंबा रिजल्ट आओगे, फिर स्प्रे लंबा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, तो मई के लास्ट में घेर दो। अब सुनो, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल को पहली पीढ़ी निखरेगी। हाँ जी, उसमें 40 दिन ऐड करो। हाँ जी, फिर मई के लास्ट में निखरेगी। हाँ, फिर उसमें 40 दिन ऐड करो। हाँ, जुलाई के पहले हफ्ते में निखरेगी जी जी, फिर ऐड करो। हाँ, तो यानी अब फटेरा हमने घेर दिया तो जून के लास्ट हफ्ते में घेरो, जून के फिर लास्ट हफ्ते में डाल दो। हाँ, सीधा गणित है, 40-45 दिन को ऐड करे जाओ पहली पीढ़ी के बाद। हाँ बिल्कुल, चार बार आना, सितंबर में जालोगे जी जी जी।
अच्छा, इसमें फटेरा कितने दिन तक काम करा आपके साथ? देखो जी, फटेरा तो मेन कारण क्या, पहली है यानी दो ही पीढ़ी कंट्रोल हित करे, हाँ, फिर दो में ठीक है। दोबारा आज कितना? ज्यादा बड़ा प्रकोप आ जा हाँ तो जी, उसमें भी 5-4% आ जा। हाँ, देखो, बिल्कुल। 5-4% आना, कोई दवा पे ना सवाल खड़े करता। अच्छा, आपके हिसाब से स्प्रे अच्छा है या नीचे से फटेरा डाल? देखो जी, दोनों में अपनी अपनी खूबी है, गेरने का तरीका डिपेंड करेगा आपका कौन सा बेहतर होगा। जो आप स्प्रे बता रहे हैं इसका, प्रोफेक्स का, उसका हाँ, ये कितने दिन तक रिजल्ट रहेगा इसका? ये पंद्रह एक बीस पीढ़ी दिन निकाल देगा? हाँ, बस ये तो एक पीढ़ी है। एक पीढ़ी हाँ, का, फिर और दूसरी एक का आने पीढ़ी से में पहले फिर देखो करना पड़ेगा? स्प्रे के रिजल्ट लोगों को क्यों नहीं मिलते। हाँ जी, हाँ जी, टॉप बॉलर में स्प्रे दो ही समय कारगर होंगी, हाँ जी, हाँ जी, या तो जैसे आज हमें तितली दिखाई दे रही, यहाँ हाँ लेमडा का प्रयोग करो, हाँ जी, और एक एक उसके साथ में मान लो इमामेक्टी, एमिडाक्लोपिड ले लो रस चूसने वाले कीड़े के लिए, हाँ जी, या क्लोरोसाइफर साइपरमेथिन ले लो, हाँ जी, हाँ अम्ला के जी, नाम से जो है ऐसी कोई दवा ले जी, लो, जी, या फिर जब अंडों में से लार्वा निकल के हाँ जी, गोब में घुसने चालू करेगा, दो ही टाइम अगर स्प्रे होंगी तो आपको स्प्रे से लाभ मिलेगा, नहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं जी जी गारंटी दे रहा जी जी तो जी, स्प्रे तो कुल मिला के ये भी कह सको कि टॉप बोरर आने से पहले और हूँ। उसका तितली की फिर, अवस्था पे हाँ जी, हाँ जी, लाइट लाइट ट्रैप इसलिए लगवाई जाए जिससे हाँ, हमें पता चले तितली आ गई, अपने तितली आ खेत गई, में कुछ कार्रवाई कर लो, बिल्कुल, कुछ तितलियों को लाइट ट्रैप कम कर देगा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और उससे अच्छा, आप पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि तितली की अवस्था है अब। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अब मान लो इसमें मेरे हिसाब से 50,000 पौधे अब है, हर पौधे को उठा के लट पलट के जी कौन देखे हाँ, सही बात है, बिल्कुल, कि हाँ, वो भी आसान तरीका है कि पहली पीढ़ी को, हाँ जी, एक दूसरी बात और है सेकंड पीढ़ी ना आने के लिए, हाँ जी, पहली पीढ़ी अगर आ गई खेत में, हाँ जी, हाँ जी, अगर तुम्हें नो दिख रहा, दूसरी पीढ़ी नहीं आनी, दवा करने के बाद भी मान लो 1 या 2 या 3% पेड़ बनते हैं हाँ जी, तो हाँ वे जी, सारे बाहर, वे बाहर कर दो, बिल्कुल, वे सारे निकाल के खोड़ खोड़ में घूम के बाहर, हाँ, बिल्कुल, अगली अगली पीढ़ी के लिए उसमें उनका वंशना छोड़ दो, खत्म बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, अभी जो है कितनी अच्छी जानकारी भैया जी ने दी, और पेडी प्रबंधन तो मुझे इनका बहुत शानदार लगा। तो इसमें कैक साल लोगे जी? इसमें तो अभी पता नहीं, दूसरे साल की है, दो तीन हाँ, साल चले, 4 साल चले, ये साइड में फुटेर इससे भी जानदार, तीसरे साल 30 साल की, तो मतलब यो भी लाभ है एक बार बहुत, और 4 साल की बस छुट्टी। बस 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 फ्री। हाँ और ये तो मेन कारण है क्या, अगर चिकनी मिट्टी हो हाँ जी, हाँ जी, जिसमें व्हाइट ग्रब दीमक ना हो, यहाँ सब कुछ है, हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, सब कुछ है, चिकनी मिट्टी में तो उम्र का पता नहीं। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे इसमें उत्पादन बढ़ेगा पौधे से ज़्यादा पेड़ी में, तो आओ 100% 100% इसे आओ, कोई काट नहीं सकता जी, और तीसरी बार के मैं, तीसरी बार के मैं पौधे जितना 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो कितनी देखो अच्छी मैं तो एक जानकारी बात दी, आ रहा है, 1 एकड़ को उजाड़ के बोने का खर्चा 20,000 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल 10 कुंटल बिकेगा, कम निकल जाए तो हमें, हमने क्या क्या काम करा, बिल्कुल बिल्कुल बुआया ढूंढो ये ढूंढो, 10 कुंटल कम फायदा अगर नहीं हो जा। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है जी।